इत्तू से भी नहीं भीगी, इत्तू से भी। और ये देख के तो दिल ललचा जाता है। विशु के साजे के दिन हम लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और ये चीज देखिए, गुड़ इस तरह से इसको काटना शुरू कर। होता क्या है कि विशु के दिन, जिस दिन विशु का साजा होता है, संक्रांति है, उस दिन हम सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले नहा लेते हैं। मैं न्यूज़ बनाता हूं ना, तो ग्रानी बना अंदर जाके, एक ग्रानी खा के जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे लगा दी है मैंने गुड़, मतलब कि पूरा एक गुड़ का ढेल का बोलते हैं हम लोग, तो आप लोग क्या बोलते हो, इतना बड़ा गुड़ और पानी, इसका गड़ानी पड़ेगा। और यहाँ पे रौनक के पापा ने वो गुड़ और आटा दोनों इकट्ठे गूंथ लिए, इसके न्यूज की रोटी बनेगी। और यहाँ मैंने अलग से सुपर फाइन आटा लाया, पटांडे बोलते हैं इनको हम, जो आज बनेंगे पटांडे। सभी के घर में यही बनेंगे, मतलब कि पूरा जितना भी ये इलाका है ना, गड़ानी और पटांडे जिनको खाते हैं ताजे घी के साथ। वो फटाफट से मुझे ये सुबह उठ के जल्दी से नहा दोगे इसलिए बनाना पड़ रहा है, क्योंकि रौनक के पापा ने जाना है तो ये खा के जाएंगे। गड़ानी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे घी, घी डालेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 चम्मच बड़ी वाली, और उसके बाद इसमें भूनेंगे हम लगभग उतना ही आटा, थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 4 चम्मच। 2 चम्मच मैंने अगर ये घी डाली है ना, थोड़ी इस तरह से डाली है ताजा घी, इसमें ही डाल देंगे हम अब आटा। आटा मैंने ये रखा है जी, इसको डाल देंगे हम इसमें इस तरह से, और इसको इतनी अच्छी तरह से भूनेंगे ना, बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है। बस इसको थोड़ा सा कच्चा नहीं रखना है। गुड़ मैंने डाल दी है, ये हमारा यहाँ करता रहेगा, और तब तक मैं जाती हूँ बाहर, बाहर के हाल चाल दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर होता है आज, मम्मी भी पीछे से बोल रहे हैं, डैडी भी, हम भी। कुछ ऐसे बनता है ये, हाथ पे ही 5 रोटियां बनाएंगे, इनको 2 बन गई है, 1 क्या है, 5 कहाँ कहाँ के लिए बनती है। अच्छा, 3 शांगड़ू देवता को, 2 रोटी लंकड़ा देवता जी को। और जो ये सब बना रहा होता है ना, वो बात बिल्कुल नहीं करता है, मतलब कि मैं कर सकती हूँ, जो बना रहा होता है वो बात नहीं करता है। और मेरा गड़ानी अंदर बन के तैयार हो गया है, बस ये 5 रोटियां यहाँ बन जाए फिर पूजा होगी। ये है जी बुरास के फूल, थोड़े से पुराने हो गए हैं लेकिन हम इन्हीं को ही लगाते हैं आज दीवार पे। यहाँ पे लग रहे हैं बुरास के फूल, ऊपर लगाओ टॉप में, रुको वो लाती चेयर, चल चले जाए। सब दरवाजों पे लगाते हैं हमारे घर में, क्योंकि दरवाजे तो एक ही है मेन, नहीं है जगह लगाने। पर कील मिल कील देखे सामने देख, हाँ हाँ ठीक है। हे भगवान, मुझे वीडियो को दोनों हाथ करा के उसके हाथ हुए। ये है जी न्यूज की रोटी, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। मेरे ख्याल से लोअर जो भी बेल्ट है उसमें फूड फेस्टिवल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि आज के दिन से फसलें शुरू होती हैं, जैसे गेहूं काटना। फसल की इस बार फसल बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम, क्योंकि सर्दियों में हिमाचल में जिस जगह हम है शिमला में बारिश बहुत कम हुई, जहां बर्फ पड़ती थी वहां पे भी बर्फ बहुत कम पड़ी, और फिर यहाँ पे भी स्नो आती है पर यहाँ पे स्नो नहीं आई। तो जी डैडी जा चुके हैं मंदिर, और रौनक के पापा ने जाना है, कहाँ जाना है आपने, ड्यूटी पे जाना है, कहाँ जाना है। और इनके लिए फटाफट से बनेंगे पटांडे, वैसे तो नेवज देने गए थे, खा के आए हैं चाची के दोस्त, अपने घर भी खाने पड़ता ना। हाँ, ये पटांडा आज तो हर घर में हमारे साइड ना यही बनेंगे, ये उसरा ना होता है, मतलब कि इसका मेन क्या होता है, थोड़ा हमारा किचन छोटा है इसलिए हमारे लिए ये फूला वूला बनता है, पर बनता बड़ा टेस्टी है खाने को, इसको ना पटांडा बोलते हैं, एक तरह का डोसा ही होता है ये। इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, अगर हम इस तरह से, इस तरह से आवल अंदर बोलो उनको, और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह।
इसकी सर्विसिंग की जाती है ऐसे। कम, 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 कम। आगे भी खाया? हाँ, खाया है मैंने। ये ताजा घी इसमें डाला जाता है इस तरह से। और फिर ये जो पटांडा है, लोग टेस्ट करके बताओ तो कैसे बना है। मस्त बना हुआ है, तो ऐसे लग रहा है पता गाड़ी स्वादिष्ट खाना लाती है। इसमें ना ऑयल ऑयल लग गया है इसमें भी और बैक साइड में भी। चलिए कैमरा भी साफ करती हूँ और इन्हीं के लायक अभी बने। हमने न्यूज खा लिया है, अब रस्टी को खाना बनाएंगे और फिर अब सारा घर साफ करने के बाद मिलूंगी आपसे। लो एक और पटांडा खाओ। नहीं खाया जाएगा यार, आगे भी खा लिया, नहीं खाया जाएगा यार। ये रिटेक लिया मैंने, क्योंकि जब इन्होंने पहले बोला कि मैंने यहाँ डाला, इन्होंने गुस्सा किया, फिर मैंने कैमरा ऑन किया, नहीं खाया जाएगा यार, किया ना ऐसे। सुबह से हम मीठा मीठा खा रहे, तो अभी हमने ये सूखी आलू की सब्जी और भात बनाया है। लो मामा, आपकी रील बनाने के लिए मैंने आपको रेडी कर दिया। ठीक लगा दिया? ठीक लगा दिया। ओए, ये कैसे लगाई है? रौनक मेरी बेटी की कमी पूरी करती रहती है। तो अभी दिन के बचे हैं जी कितने, 11:30। और अभी आज डैडी भी घर पे नहीं है, रौनक के पापा भी घर पे नहीं है, लेकिन आज मेरा बेस्ट एडवांटेज ये है कि आज रौनक घर पे है, तो रौनक काफी अच्छी रील्स बना देता है। तो मैंने ये वाला जो लहंगा चोली अपना लिया था, ज्यादातर ये स्कूल गर्ल्स के पास ही होता है, दी की बेटी भी ले जाती है इसको, अभी घर में था। इसके साथ मैंने ये वाली मैचिंग ज्वेलरी भी ले आई थी, पहन ली और मैं रील्स बनाऊंगी आपको भी। रील्स तो नहीं दिखाऊंगी पर इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा, सुनील अभी आजाद के मेरी आईडी है। बाहर जाती हूँ चटक धूप है और धूप में रील्स अच्छी बनती है। और मैं सुबह से ही एक डांस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ। गाइस मम्मा सुबह से इतने डांस की प्रैक्टिस कर रही है ना कि जैसे ही साजा का प्रोग्राम खत्म होना वैसे ही मम्मा लग गए डांस की प्रैक्टिस करने में। और मैं तब से लेकर अभी तक कर ही रहे थे और अब जाकर मम्मा ने ड्रेस अप लिया है। मैंने सुबह से रिहर्सल तो खूब किया था पर डांस उतना अच्छा मैं कर नहीं पाई। पर ये है कि धूप में नाचने से अच्छी खासी कसरत हो जाती है। और इतना ही था, और मैं फटाफट से और काम करूंगी घर के और ये सब निकाल देती हूँ। हाय, रौनक की फ्रेंड आए हैं अंदर। जिस दिन के बजे हैं अभी, कितने बजे हैं, 1 या 1:30 बजे हैं। डैडी तो मंदिर से नहीं आए, लेकिन मैंने अपने लिए ये गरम गरम लौटे पटांडे बना दिए हैं इसके साथ खाने के लिए, क्योंकि सुबह उतना अच्छे से, फिर सुबह अगर खाली पेट इसको खाते हैं तो थोड़ा सा सिर दर्द हो जाती है घी वाला, तो अभी खाऊंगे। वाओ, मम्मी की टेंशन हो गई बोलते थे। खाना खाने क्यों भी यहाँ तक रहे, खाना खाओ नहीं थी बनानी, खत्म हो गया बन्नू। मम्मी टेंशन हो जाती है अभी डैडी मम्मी का, मैं आज तो कभी भी डैडी को ना ही खाना खाया ना ही उनसे पहले नहाते हैं, मतलब थोड़ा सा उनका पुराने जमाने वाला हिसाब किताब। तो जी विशु के साथ की है ये बेड, मतलब कि शाम हम बेड बोलते हैं, और हम जा रहे हैं तो ऊपर निकाल दो मैचिंग, तो चलो टिंडे टपड़े दिखा दो, दिखाओ तो सही इसके अंदर देखो, और हम जा रहे हैं खड खड में। और ये देख के तो दिल ललचा जाता है, ये पिथनी है, पिथनी शाड़े, अभी पिथनी होती है जब पक जाए तो बन जाता है एप्रिकॉट। अब मैं ना सोई हुई थी, मुझे सोने दिया इसको, सो के मोटी मोगी मोटी, चल मेरे साथ में तो ऐसा चलाता हूँ। सुबह बोला इसने टाइम टेबल बनाया, मैं दिखाऊंगा कभी। देवरानी ने और मैंने किच्चा को भी लगता है, किच्चा को भी लगता है वो बहुत मोटी हो गई है। खैर मेरे तो मूल तो लगा कि मेरे को तो ऐसा लगता है मैं फटी गई हूँ। फिर हमने टाइम टेबल बनाया, क्यों आप क्यों हंस रहे हैं? टाइम टेबल बनाया था, हुआ कब का बनाया पता, टाइम टेबल हफ्ता हो गया बनाते हुए और अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। फिर एक्सरसाइज छूट गई यार मेरे से, योगा छूट गया है, योगा छूट गया है, वो शुरू करना है अब, क्योंकि वहाँ भी मेरी पार्टनर मेरी फ्रेंड मेरे साथ ट्विच के मॉम, यहाँ थोड़ा अकेले ऐसी होती तो लगता है चल। और यार घर में आके पता क्या, यार मैं तो खाती बढ़ रही हूँ, खाती रहती हूँ, ऐसे तो दिखता भी नहीं है ऐसे रह के, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कैसे बताऊँ कैसे दिखता है, पर दिखता है। अभी हम करेंगे शुरू कल से योगा, मैं भी और मुझे कर, मतलब कि हम मोटे नहीं है अभी, हम उस स्टेज में नहीं आए कि हम बहुत मोटे हो गए हैं, लेकिन ये है कि
ये शुरुआती दौर है और मोटापे होने के साथ साथ आपका जो है दिल ही नहीं करता है, खाने का मन करता है, सोने का मन करता है, इसलिए थोड़ा सा इन्होंने उठाया। और मैं पता क्या करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जिम्मेवारी होती थी अपने ऊपर, मुझे बच्चों को छोड़ना लाना भी होता था, इस वजह से मैं एक्टिव रहती थी। यहाँ पे होता है सो जाओ मजे से, मम्मी डैडी हैं बाहर, भाऊ भी लगे, रौनक भी स्कूल में आ जाता है, तो थोड़ी सी लापरवाह हो गई हूँ यहाँ जी। हमारी गाड़ी के ड्राइवर के नीचे वाले हाल जो कि इन्होंने किए हैं बेहाल, एक गाड़ी बहुत गंदी रखते हैं। बोलो चाहोगे कुछ? नहीं। और ये है जी व्लॉगर की सच्चाई, जो भी काम करना है वो दिखाना तो है। मैंने काम किया पर पहले वीडियो की सेटिंग, मतलब कि कैमरे की सेटिंग, वो भी रोड़ी पे। इतनी सुंदर बना दी ना मैंने, और मैं खुद बताऊं कैसी बन गई, पूरी गीली हो गई हूँ। पर कोई बात नहीं, मम्मी को फ़ोन कर दूंगी कि मेरे लिए पानी लगा के रखे, गाड़ी मैंने अच्छे से धो ली। और आने के बाद इत्तू से भी नहीं भीगी, इत्तू से भी, मेरे आने का फ़ायदा हो गया इनको। ऐसे ही मैं घर में पहुंची, फटाफट से नहाई, मतलब कि इतनी फटाफट नहाई और इसमें डाले मैंने साथ में कढ़ानी और चिलड़े, क्योंकि मेरी जो कॉमेडी है वो आज गई थी रामपुर, और उसको मैंने बोला कि इधर आ जा, क्योंकि उन लोगों के घर में डेथ हुई ना तो साजे नहीं मनाते, उन्होंने नहीं बनाया होगा तो खाने का तो दिल सब ही करता है। मैंने उनके लिए पैक कर दिए हैं, वो घर में खाएंगे। अब व्लॉग कभी कर दूँगी, अब यहीं पर ही एंड। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मिलूंगी नए से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हेलो बोलू, हेलो फ्रेंड, बाय फ्रेंड, व्लॉग कभी करेंगे, अब हम यहीं पे ही एंड, मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी हिमाचलियों का टैलेंट दिखाती हूँ, ये तो था बॉलीवुड सॉन्ग, रौनक अब दिखाएगा। तो आए दिन यहाँ पे ऐसे ऐसी डबिंग होती रहती है, मतलब कि जो भी बॉलीवुड सॉन्ग है और एक्टर है उनके पहाड़ियों में इतने अच्छे तरीके से डबिंग की जाती है कि पता ही नहीं चलता। व्लॉग कभी करूँगी यहीं एंड, मिलूंगी नए से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।